हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को स्वागत करता हूँ और एक नया वीडियो में। आप लोगों तो अभी तक अल्ट्रा बेटर सेवा सभी को नहीं मिला होंगे, लेकिन कुछ दिन पहले मैं और एक वीडियो बनाया था जो एक्सट्रीम बैटरी सेवा को कैसे इनेबल करना है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूरी वीडियो को देख लेना है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज मैं और एक नया फीचर्स को इनेबल कर लिया हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद आप लोगों को बैटरी के काफ़ी हद तक आप सेव कर सकते हैं। जो दोस्तों सही बोल रहा हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखना जो कैसे इसको इनेबल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड कर लेना है। जी दोस्तों, क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड कर लेना है। तो ये ऐप्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 1 MB या 3 MB के आसपास होगा। इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना। मेरा पहले से डाउनलोड है, अगर आपको नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो जरूर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। वो जैसे ही मैं इसको ओपन कर लूँगा तो ओपन करने के बाद इंटरफेस इस प्रकार से आएगा। तो इस जगह से आपको ढूंढ लेना है जो सेटिंग सजेशंस बोल के, तो मैं इसे सर्च कर देता हूँ, जो सेटिंग सजेशंस बोल के मैं ढूंढ लिया हूँ। और ढूंढने के बाद सेटिंग सजेशंस में आपको क्लिक कर देना है। और जैसे सेटिंग सजेशन में क्लिक करते हैं, सेटिंग सजेशन में फिर से क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, तो इसमें आपको ट्राई में क्लिक करना है। और जैसे ही ट्राई में क्लिक करते हैं तो इसमें सर्च ऑप्शन आएगा, तो सर्च में हमको डिस्प्ले बोल के सर्च कर लेना है। जैसे डिस्प्ले आ जाएगा तो डिस्प्ले में क्लिक कर देना है। वो जैसे ही हम लोग डिस्प्ले में क्लिक कर दूंगा तो क्लिक करने के बाद आप लोगों के साथ बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इस जगह से हर एक फीचर्स काम नहीं करते होंगे। वो जैसे कि ब्राइटनेस लेवल इस तरह से काम करते हैं, लेकिन ये स्क्रीन रेगुलेशन ये इधर से अभी से काम नहीं कर रहा है। देख सकते हो जो अप्लाई नहीं ऑप्शन आ रहे हैं। तो रीडिंग मोड काम कर रहा है। जो इस जगह आपको जो बोलने वाला हूँ, जो मोनोक्रोम मोड, यही इस जगह में नया फीचर्स दिया है, जो स्विच टू मोनोक्रोम मोड टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ। तो इस जगह से क्या कर सकते हैं, आपको काफ़ी हद तक आपका बैटरी को सेव कर सकते हैं। जैसे इसको मैं इनेबल करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पहले से इनेबल करके रखा हूँ। तो इस जगह में आपको दो चीज़ दिया हुआ है, जो ऑल ऐप्स यूज मोनोक्रोम मोड फॉर ऑल ऐप्स और सिलेक्टेड ऐप्स। तो इस जगह से क्या कर सकता है, कुछ ऐप्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो कौन सा ऐप्स का बैकग्राउंड में नहीं चलाना चाहते हैं या कौन सा ऐप्स बैकग्राउंड में चलेगा। तो इस जगह से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको जितना सारा ऐप्स हैं आ जाएगा, आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स आ गए, आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के बाद आपको बहुत ही बैटरी सेव होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं कि बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इसको बहुत ही हेल्प हो रहा है। तो ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट कर देना, दूसरे को शेयर कर देना। और साथ ही साथ मेरा चैनल में अगर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना। चलिए मिलता है अगला वीडियो का बोर्ड, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।